हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीपीएस से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और कई सारे मल्टीपल मिसलिनियस टीचर्स की वैकेंसीज भी हैं, कोचेज वगैरह की वैकेंसीज भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी है। तो बाकी जो डिटेल है आगे वीडियो में चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी आई है और साथ ही साथ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेटेड है। तो पहले न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देखेंगे और उसके बाद चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए 9 मई 2023। डेट नोट डाउन कर लें क्योंकि एडवर्टीजमेंट में लिखा है, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं चाहे आप यहां से देख रहे हैं, कि विद इन 10 डेज अप्लाई, विद इन 10 डेज। तो 10 डेज मतलब 19 मई लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन करने की। तो इससे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, पीआरटी और ये सारी वैकेंसीज हैं, या मैंने आपको पहले भी बताया। अभी इसमें देख लेते हैं जॉब लोकेशन क्या है। तो ये एडवर्टीजमेंट इस तरीके से नज़र आ रही है और इसमें जो एड्रेस लिखा है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉलेज पार्क। तो नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, जो कि जीबी नगर उत्तर प्रदेश से है। तो ये उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। अभी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये आपको देखने को मिलेगी। 9 मई की डेट से पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में, उसी डेट से आप लास्ट डेट 19 मई काउंट करेंगे। वैकेंसी इस तरीके से लिखी है 2023-24 के लिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल, पहले मैं बता दूं क्या है, प्राइवेट स्कूल है। कई सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल में सैलरी जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छी है। 60-70 थाउजेंड से उनकी स्टार्टिंग होती है सैलरी, कई सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी पर रहते हैं उनमें सैलरी कम होती है, फिर भी बाकी जो प्राइवेट स्कूल से उनसे थोड़ी बेटर मिल जाती है आपको। तो अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या सैलरी। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी काम किया है, कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे बाकी के जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जीबी नगर, उत्तर प्रदेश में है। वैकेंसी नोटिस 2023-24। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट टीचर्स विद मिनिमम 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, कम से कम 3 साल का, 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। सब्जेक्ट की डिटेल आप देखेंगे तो मतलब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टीचर ट्रेनिंग चलेगा। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो बीएड चाहिए, टीजीटी के लिए भी मोस्टली बीएड चाहिए, पीआरटी के लिए अगर आपके पास बीटीसी, डीएलएड, डीएड जो भी है, बीएलएड जो भी है, तो अप्लाई करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। पीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एफएनएम, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स। हाउ टू अप्लाई भी मैं हमेशा बताती हूँ, आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो हाउ टू अप्लाई, कई कैंडिडेट पूछते हैं अप्लाई कैसे करना, मैं एंड में जरूर बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड फाइन आर्ट है। पीआरटी में इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, ये सारा है। इसके अलावा टीचर्स एंड को टीचर्स एंड एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर फॉर एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल मतलब हो गया कि एनटीटी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेटर्स की भी रिक्वायरमेंट है। एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हो गया मतलब म्यूजिक, डांस, योगा, ये सब भी। बास्केटबॉल कोच, इसके अलावा बास्केटबॉल बॉल कोचेस, बैडमिंटन कोच, टेबल टेनिस कोच, फुटबॉल कोच एंड क्रिकेट कोच की रिक्वायरमेंट है। स्विमिंग के लिए भी कोच, लाइफगार्ड, फीमेल कैंडिडेट। सैलरी एज पर डीपीएस सोसाइटी रूल्स, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड विद इन 10 डेज एट स्कूल एड्रेस, या फिर आप डायरेक्टली स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो डाउनलोड करके भी सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहेगी। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में ही प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है सैलरी के बारे में और बाकी चीज़ें। तो एक बार चलते हैं, ये जो वेबसाइट मेंशन किया हुआ इस पे चलते हैं, dpskpv.com पे चलते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं dpskpv मींस दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसमें आपको एडवर्टीजमेंट देखने को कहाँ मिलेगी, यहाँ पे जो सेक्शन है सबसे एंड में है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस में वैकेंसीज जो है देखने को मिल रही है। कॉन्टैक्ट अस में सबसे राइट हैंड साइड में वैकेंसीज, इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज जो अपडेट है वो यहाँ पर भी वैकेंसी सेक्शन में अपडेट कर दी गई है। तो वैकेंसी नोटिस 2023-24 सेम जो मैंने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आपको पढ़कर बताया, सेम यहाँ पर भी देखने को सेम टू सेम मिला है, सिर्फ इसका जो फॉन्ट है और कलर है वो चेंज हो गया है। और इसमें साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लें आप और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। दो ऑप्शंस दिए हैं अप्लाई करने का। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये पोर्टल ओपन हो रही है,
ये आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन सारी चीजें डिटेल, जिसमें रेड एस्ट्रिक है वो मैंडेटरी रहेगा, वो आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा है रेड, रेड एस्ट्रिक है तो वो फिल करना होगा। सिटी में एस्ट्रिक नहीं है छोड़ सकते हैं, स्टेट में एस्ट्रिक नहीं है छोड़, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ 200 रुपीज फी है। तो ये ऑनलाइन है, एप्लीकेशन करना है तो ऑनलाइन कर दें, जो कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन इतना लंबा नहीं फिल करता है। तो फिर उनके लिए और दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपीज का बनाना होगा। यहाँ पे एक ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म ये देखिए डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना चाहते, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको 200 रुपीज डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ये है फॉर्म, फिल करके स्कूल में जाके आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के लिए डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड विद इन 10 डेज। 19 मई इज द लास्ट डेट, बिकॉज 9 मई को मुझे तो एडवर्टीजमेंट 9 मई को मिल रही है। तो ये है ऐसे, एड्रेस दिया हुआ है स्कूल का और एप्लीकेशन फॉर्मेट अभी जस्ट मैंने डाउनलोड किया, तो वो हाँ ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आप डिसाइड कर लें कैसे सबमिट करना है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क की, उसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। इस वेबसाइट पर आना है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है, वैकेंसीज पे क्लिक करना है, वैकेंसीज आ जाएंगी। वैकेंसीज में दो ऑप्शन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन कर दें, पोर्टल ऐसे ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन, अगर करना चाहते हैं, हाथ से जाके सबमिट करना चाहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऑफलाइन भी जाके आप फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके उसको भी जाके दिए गए एड्रेस पे सबमिट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए, आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स, कुछ सब्सक्राइबर्स नए हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम भी सेटअप की हुई है। ये जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे फेसबुक ग्रुप पर अपडेट की गई है वैकेंसीज, जो डेली न्यूज़पेपर में आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और कई सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में कई सारी वैकेंसीज, टीचिंग, नॉन टीचिंग, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्कूल से, कॉलेजेस से आती रहती हैं। कंपनीज की भी जॉब होती है, वो सब मैं पोस्ट कर देती हूँ आपके यूज़ के लिए अपने फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक्स मिलेंगे फेसबुक ग्रुप की, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम की, वो क्लिक कर लेना, आपको ज्वाइन हो जाना है। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सभी में कोई भी ऐसा वेस्ट कुछ नहीं है, सब सिर्फ वैकेंसीज और वैकेंसीज ही हैं। ये लिंक्स आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं, फेसबुक ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल के, इंस्टाग्राम के, और साथ ही साथ अभी जो आपने देखा दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क, उसकी लिंक भी आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करने पर मिल जाएगी। और भी कई वैकेंसीज आज आई हुई है पेपर में, वो भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर देती हूँ। वैकेंसीज यहाँ पर भी नजर आ रही है, यहाँ पर भी देखें ब्लैक ब्लैक ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर ब्लैक में, यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेक्ट अस से भी देख सकते हैं।